की ग्राम पंचायत खिमेल में अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण नाराज है। जहां ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवैध अतिक्रमणकारियों ने ग्राम पंचायत के हालात खराब कर दिए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जिला प्रशासन भी अवैध अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच पर खेल मैदान में काम नहीं करवाने, अवैध पट्टे जारी करने, साफ सफाई के नाम पर कोई काम नहीं करने, गांव के नालों में पट्टा जारी करने समेत कई गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे नौ पंचायत का सरपंच मिलता है, नौ मुंशी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे मीटिंग हुई, उसने सरपंच से बोला, मुंशी ने खुद बोला कि मैं दो दिन में इसको पट्टा बढ़ा के दूंगा, हमारे पास में 50 सबूत है। पर वो आज तक उसने वापस बोला और सरपंच से बोला तेरी हो जो कर ले, पट्टा तेरे को नहीं मिलेगा। बस ये इतने लिखित में भी की, मौखिक भी की, यहाँ तक कि पंचायत राज मंत्री तक हमने शिकायत की है, कमिश्नर साहब को भी हमने शिकायत की है, वीडियो साहब को की है, कलेक्टर साहब को की है, और कहाँ जाए सर, फिर मोदी साहब को करे तो है हम शिकायत, और किसको करे बताइए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है। सरपंच दावी दे रहा है, वो तो अपनी हिटलिस्ट ही चला रहा है। पट्टे बनाए हैं वो उनकी पूर्ण जल्दी से जल्दी बाली से जांच कराया, इसके इधर बाली विधान तहसील बाली तहसील थे तो सब कर्मचारी वीडियो विकास अधिकारी मिले हुए हैं। खिमेल पंचायत द्वारा अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और कोई सही एकदम जांच नहीं हुई तो हम पूरा गांववासी ताला लगा के और जिला कलेक्टर के पास आंदोलन करेंगे और उधर भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए अपने धनी रोड पे बता रहे हैं, निकल दे वो मैंने कर दिया, निकल कोई पट्टा दर्ज नहीं किया, मैं जांच करवा दूंगा उसकी, ठीक है। अगर जांच में गलत पाए गए तो क्या आप उन पट्टों को निरस्त करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। पहली बात ऐसा है नहीं, ठीक है, और होगा तो हम करवाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच पर खेल मैदान में काम नहीं करवाने, अवैध पट्टे जारी करने, साफ सफाई के नाम पर कोई काम नहीं करने, गांव के नालों में पट्टा जारी करने समेत कई गंभीर आरोप जो हैं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। इसी विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, संवाददाता जुगल किशोर। तो जुगल बताइए आखिर क्या कुछ पूरा मामला और क्या आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, ग्रामीणों द्वारा ये मामला सामने आया है तो हम मीडिया टीम वहां जाकर देखा है तो कई जगह नालों में भी अवैध निर्माण था, वो शुरू था, और गांव वालों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि इनके परिवारों रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों को भी लगभग 400 के ज्यादा पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है, और खासकर खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाने, क्योंकि 23 तारीख से ही ये ओलंपिक खेल शुरू होने हैं, तो इसी को लेकर भी काफी ग्रामीणों और खेल प्रेमियों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो जुगल, मैं इसी को लेकर चाहूंगी कि किसी प्रशासनिक अधिकारी का अगर कुछ बयान निकलकर सामने आओ, किसी प्रशासनिक आला अधिकारी को इस बात की जानकारी है, मामला संज्ञान में आया है किसी अधिकारी के? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जो महंगाई रात कैंप था उस समय अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन उनकी अनदेखी होने के कारण ग्रामीणों ने फिर ये कदम उठाया है, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि हम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के बाद अगर हमारी बातें जो रखी है नहीं मानी गई है तो हम जिला कलेक्टर को भी पेश होंगे, क्योंकि निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर ये मांग रखी गई है। इसको लेकर जब हमने वहाँ के सरपंच से भी बात की है, उन्होंने हमने कहा है कि जो भी मामला सामने आया है मैं उसकी निष्पक्ष जांच 20 दिनों के अंदर करवा दूंगा। इन्होंने ये आश्वासन दिया जब मीडिया टीम हमारी उनके सामने पहुंची थी। जी, तो अभी तक कोई बयान जो है प्रशासनिक अधिकारियों का निकल कर सामने नहीं आया, क्या कुछ कहना है, क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल तो प्रशासनिक अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। उसके बाद ग्रामीणों ने हम जब टीम के साथ गए थे तो वहाँ के जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है वहाँ पूरी गंदगी पड़ी हुई है, और जो ये बात ग्राम पंचायत सामने आ रही कि महंगाई राहत कैंप जो लगते हैं उसमें भी ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उठाया था, वहां पर क्या आश्वासन ग्रामीणों को मिले थे? वहां आश्वासन दिया तो गया था कि काम हो जाएगा,
लेकिन जो समय था वो निकल गया और ग्रामीणों ने हमसे बात करते हुए कहा था कि हमारे जो हमने मांग उठाई थी उसकी सिर्फ लिपापूति हुई है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जी जुगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामले की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी जुगल किशोर, जिन्होंने हमें बताया कि ग्राम में जो है लगातार अवैध भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है लगातार बढ़ा हुआ है और पट्टे का मुद्दा भी बढ़ा हुआ है। इस पर जो है जो आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की ओर से कि कार्यवाही की जाएगी।